हल्द्वानी शहर में लगातार बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपना लिया है। नगर आयुक्त और सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान नगर आयुक्त ने दो टूक शब्दों में साफ चेतावनी दी कि शहर में दुकानों के आगे अवैध अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर में नाली के ऊपर बने अवैध अतिक्रमण को भी नगर निगम की टीम ने जेसीबी लगाकर उखाड़ दिया। नगर आयुक्त ने कहा कि शहर में नाली के ऊपर अतिक्रमण होने से जलभराव की समस्या पैदा होती है, लिहाजा अब अतिक्रमण को लेकर आगे मॉनिटरिंग होती रहेगी। आगे भविष्य में भी व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण करने की कोशिश की गई तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, हमारा नगर निगम का मूल दायित्व में आता है, रूटीन वर्क में आता है, लेकिन इस बार पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और नगर निगम द्वारा संयुक्त अभियान के अंतर्गत काम किए अभियान, अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। नाली फुटपाथ और सड़क पर कब्जे हटाए जा रहे हैं, सरकारी जमीनों से कब्जे हटाया जा रहा है, अवैध वेंडर को हटाया जा रहा है, उनके सामान जब्त किए जा रहे हैं। वेंडिंग लाइसेंस युक्त आधार कार्ड के साथ जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं उनको कैसे व्यवसाय करना है इसको नियमित कराया जा रहा है। पूरे बाजार की व्यवस्था को व्यवस्थित किया जा रहा है, लेकिन कंटिन्यूटी में ये कैसे हम इंश्योर करेंगे? हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम निगम की पुलिस विभाग की एक स्थायी टीम बनाएंगे जो रेगुलर करेगी। लगातार अपील की जा रही थी, नगर निगम पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। जिन लोगों ने रोडों पे कब्जा कर रखा है, नालियों को बंद कर रखा है, चलने का स्थान नहीं छोड़ा है, पूरे शहर में इस तरीके की जो भी अतिक्रमण है उस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और उसके चालान जब भी सारी कार्रवाई की जा रही है और लोगों के लिए रोड खाली छोड़ना ही पड़ेगा। इसको देखिए, इसमें नगर निगम की टीम मौके पर मौजूद है और से भी ये वार्ता हो चुकी है कि जो अतिक्रमण आज हटाया गया है उसमें समय समय पर राउंड होता रहे और वीडियोग्राफी भी कराई गई है कि लोग वापस सामान अगर बाहर रखेंगे तो निश्चित ही उस दुकान पर भी कार्रवाई की जाए। नगर निगम की कार्रवाई के दौरान फड़ थेली और दुकानों के आगे दुकान लगाने वाले कारोबारियों में हड़कंप मचा रहा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले नगर निगम में बाजार में मुनादी करवाई थी, बावजूद इसके व्यापारियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद नगर निगम ने सख्त रुख अपनाकर अवैध अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।